अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बच्चे का है और बाहर का मौसम देखें कैसा है। बादल साफ साफ हैं, हवा चल रही है, ठंडक है हवा में। अब धीरे धीरे उसमें भी पौधे में उस दरख्त के अंदर वो आ गए हैं पत्ते छोटे छोटे से। अंजीर लगेगी, खुबानी लगेगी और अलेव लगेंगे और सामने शिलीवा लगेंगे। शिलीवा या एक तरह का आलू बुखारा होता है, मगर ये थोड़ा हार्ड है और हमारे यहाँ जो है वो नरम वाले गोल मिलते हैं। अच्छे प्यारे प्यारे मज़ेदार। पाकिस्तान के सारे फ्रूट बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, हद से ज़्यादा, और यहाँ थोड़े कदरे हार्ड और थोड़े कम मीठे होते हैं। शायद अल्लाह पाक ने यहाँ के मौसम के हिसाब से ऐसा रखा है। हमारे तो क्वेटा के भी सारे फल बादाम पिस्ते बहुत ज़बरदस्त होते हैं। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, शायद ज़मीन डिफरेंट है, मौसम आबो हवा सब, लेकिन बहुत देखें सब सुकून ही सुकून है, ना शोर इतना शराबा। टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनकी मोटरसाइकिल की आवाज़ें आ रही हैं। इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी मैं यहाँ का पहाड़, चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं, हरे हरे सब सब। नमाज का वक्त भी होने वाला है, नमाज पढ़नी है। तो अगर मैं उठती हूँ तो मैंने ज़रूर थोड़ा पानी देती हूँ, इनका तो रोज़ा नहीं है, बट मैं इनको थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। इसमें मैंने बारिश का पानी रखा है तो इससे पौधे जो हैं हरे भरे रहते हैं, और पानी मिला दें आप तो अच्छा लगता है, शरीर भी खुश हो जाते हैं। पौधों पौधों को पानी देना, मेरे पापा जो थे वो पौधे लगाते थे, एक छोटी सी भी डंडी लगा देते हो जाते थे। उन्होंने बहुत पाकिस्तान में कटहल बेल हमें इंडिया से मंगवा मंगवा के बीज और लगाए और बहुत ही ज़बरदस्त खाए पिया। कौन सा आम कौन से फल जो हमने ना खाए हों, अल्लाह का शुक्र है हमारे फादर ने हमें बहुत खिलाया पिलाया, हमारे माँ बाप ने। पौधों का तो मुझे भी बहुत शौक है, और हमने अपने बैकयार्ड में उधर प्याज आज बोई है, तो आप देखिएगा कि प्याज कैसे बोई जाती है। मगर मुझे इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती, पिछले साल भी हमने बोई थी तो बहुत ज़्यादा निकली थी, तो थोड़ा सा शुगल भी रहता है और टाइम भी अच्छा पास होता है। अब सारा दिन घर में बैठे रहो और कुछ ना करो तो अच्छा नहीं है। मेरे पास तो ज़मीन और हुए तो मैं तो और हूँ, और मुझे ज़्यादातर फूलों के बहुत पसंद है, फलों के बहुत पसंद है। मेरे पापा को भी जो है ना बहुत पसंद है फल, क्योंकि वो इंडिया से थे, यूपी से, तो बाग बगीचे दादा परदादाओं के बहुत थे, तो वो उसमें अपना टाइम जो है उनको ज़्यादा पता था, मालूम थी, मुझे तो इतनी नहीं है। अब मैं बहुत सी चीज़ें देखती हूँ पढ़ती हूँ, तो उस हिसाब से मैं पौधे लगाने की कोशिश करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आलू प्याज चाहे थोड़े थोड़े बोए, लेकिन बोए बड़े मज़े के लगे और निकाले और सबको बहुत अच्छे लगे। मेरी आप अभी कहती है तुम कनाडा आओ तो यहाँ तो बहुत बड़ी ज़मीन है, अब खूब होना। दो तीन साल से इधर भुट्टे चीज़ें को लगाओ, और खुश होती हूँ मैं कि भाई फल आता है, पौधे आते हैं, फूल लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे। अब आजकल रमज़ान है तो ज़रा मुख्तलिफ वो है, मुख्तलिफ टाइम हो गया था, मुख्तलिफ अवकात, मुख्तलिफ चीज़ें हो गई हैं, और इबादत रात की करनी होती है कि रोज़ा रखना होता है, घर के काम भी होते हैं। जैसे ही रोज़े ख़त्म होंगे फिर मैं आपको सब बाहर का इधर का स्प्लिट का दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ, नमाज से जैसे फारिग होंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि प्याज कैसे बोई जाती है। मेरे मियाँ भी आने वाले हैं तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक के लिए। बीज लग रहे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, छोटी छोटी सी है ये प्याज, और ये प्याज बोई जा रही है।
पिछले साल भी हम लोगों ने बोई थी और बहुत ही खूबसूरत बहुत सारी निकली थी। ये हमारे अनार के हैं क्योंकि अभी ठंड बहुत है तो इसलिए। ओह ये फूल कितना खूबसूरत निकला है देखो तो, कितना प्यारा, कितना हसीन, कितना खूबसूरत, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। और ये देखिए ये प्याज बोई जा रही, और वो हमारे पौधे हैं छोटे 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 से लाल पीले। अभी मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें लगाई हैं। ये सबसे प्यारे लगते हैं मुझे यहाँ पे ये पौधे, मुन्ने मुन्ने से छोटे छोटे खूबसूरत से। ये वाइट है, ये वाइट है, ये रेड है रोजेस। और जनाब ये मेरा ऊंट कटारे का पौधा निकल रहा है छोटा सा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या चीज़ होती है। अभी गार्डन बहुत साफ करना है क्योंकि मौसम अभी वैसा है ठंड ठंड वाला, तो सिर्फ प्याज ही बो सकते हैं। पिछले साल हमने 3-4 किलो प्याज बोई थी, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड बो रहे हैं, सब प्याज बो देंगे यहाँ से वहाँ तक, तो काफ़ी सारी निकलेगी, जबरदस्त। ये ओलिव हैं ब्लैक कलर के, जैसे इसका मैं अचार डालती हूँ। और ये मेरे पड़ोसन है जो पिछले साल ही बेचारी गुजर गई, और उसके गार्डन जो है ऐसा है, इसके भी बहुत गुलाब हैं, आपको मैं समर में दिखाऊंगी। वो रोजमेरी लगी हुई है और इन चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत याद आती है। हमेशा मुझे हेलो कहती थी, खुश होती थी बहुत ज़्यादा। ये बराबर वालों का गार्डन है जो कि सफाई नहीं की, उनके अभी ओलिव लगे हुए। ये मैंने लगाए थे बहुत सारे, देख कितने बड़े बड़े हो गए। ये ज़मीन में से पहले फूल निकलते हैं, बाद में इसमें पत्ते आते हैं। और ये देखिए पीले फूल, ये भी बहुत खूबसूरत हैं, मुझे हमेशा फूल बहुत अच्छे लगते हैं। अभी यहाँ पे एग्जीबिशन लगेगी फूलों की, तो मैं और फूल लेकर आऊँगी इंशाल्लाह और लगाऊंगी। ये मैंने गुलाब के पिछली दफ़ा लाए थे, मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट में दिए थे। ये लाल गुलाब है, ये पीला गुलाब है,